नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवेज। ट्रेवल मंत्रा में हम आपको अपने देश भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल और कुछ प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल लाल महल के बारे में जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको एक और प्रसिद्ध स्थान पार्वती हिल के बारे में जानकारी देंगे, जो इस प्रकार है। पार्वती हिल पुणे शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पहाड़ी है, जो शहर के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। 103 सीढ़ियां पहाड़ी की चोटी तक जाती हैं, जहां से पूरे पुणे और आसपास की घाटी का भव्य मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पार्वती हिल पुणे शहर की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। इसमें प्राचीन देव देवेश्वर मंदिर है, जो 250 वर्ष से अधिक पुराना है। यहां आपको चार और मंदिर भी मिलेंगे, जो भगवान कार्तिकेय, भगवान राम, भगवान विष्णु और भगवान विट्ठल को समर्पित हैं। पार्वती हिल मंदिर परिसर भी मराठा इतिहास और पेशवा शासकों से जुड़ी किंवदंतियों का एक हिस्सा है, और यहां का संग्रहालय पेशवा शासन की याद दिलाता है। किंवदंतियों के अनुसार पेशवा शासक नाना साहेब पेशवा की मां काशीबाई पैर की बीमारी से पीड़ित थीं। उन्होंने अपनी जादुई उपचार शक्तियों के लिए प्रसिद्ध इस स्थान का दौरा किया और ठीक होने के बाद एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया। इसलिए जब वह बेहतर महसूस करने लगी तो नाना साहेब पेशवा ने 1740 के दशक में अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए मुख्य मंदिर का निर्माण कराया। पार्वती हिल में 5 सुंदर और सुव्यवस्थित मंदिर हैं। इस मंदिर परिसर में कई लोग भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्वती पहाड़ी पेशवा शासकों के लिए एकमात्र पूजा स्थल थी। पार्वती हिल पर संग्रहालय मुख्य मंदिर के पास है। इसमें कई वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जो पेशवा शासकों की थीं। उन चीजों में तलवारें, बंदूकें और सिक्के शामिल हैं। लकड़ी की कलाकृतियां, प्राचीन पांडुलिपियां और उस युग की पेंटिंग भी यहां रखी गई हैं। पार्वती हिल पर सुबह की सैर और ट्रैक लोकप्रिय हैं। आप ऊपर से पुणे के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं और कुछ शानदार तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पहाड़ी पर सती स्मारक और बेताल चबूतरा जैसे अन्य स्थानों का स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं। पुणे में पार्वती हिल साल भर खुला रहता है, साथ ही इसमें प्रवेश भी निःशुल्क है। इसलिए आप कुछ शांति और ताजी हवा पाने के लिए दिन में किसी भी समय यहां जा सकते हैं। पार्वती हिल की यात्रा के लिए अगस्त और फरवरी के बीच का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। आप शाम को बस सीढ़ियों से ऊपर चल सकते हैं और वहां बैठकर ऊपर से शहर को निहार सकते हैं। आप यहां की प्रकृति की गोद में करीब 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं, लेकिन सप्ताहांत और छुट्टियों पर वहां जाने से बचें। उन दिनों यहां काफी भीड़ होती है। पार्वती हिल मंदिर पुणे कैसे पहुंचे, अगर इस बारे में बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार सड़क मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग के द्वारा पार्वती हिल पुणे पहुंच सकते हैं। पुणे स्टेशन से पार्वती हिल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और यह पुणे एयरपोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। पार्वती हिल मंदिर पुणे के दक्षिणी छोर पर है और शहर के सभी हिस्सों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुणे स्वारगेट बस स्टॉप से पार्वती हिल मंदिर केवल 2 किलोमीटर दूर है।
स्वारगेट बस स्टॉप तक सिटी बस ले सकते हैं और फिर वहां से आपको पार्वती हिल तक पहुंचने के लिए एक ऑटो रिक्शा मिल सकता है। स्वारगेट के लिए कई बसें उपलब्ध हैं, या फिर आप कोई भी प्राइवेट टैक्सी या कैब द्वारा पार्वती हिल पहुंच सकते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रेवल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।